कहा जब टीचर्स इतने वेकेंट है तो कहाँ है वेकेंसी। वो कहते हैं सर कोई कैट में है, कोई कोर्ट में है, कोई इधर है, कोई उधर है, जहाँ भी हो। फाइनली रात भर इनको बैठा के 422 वैकेंसी निकाल दी। अगेन मेरा मुद्दा क्या था उसमें, उसमें एम क्या था? एम एक ही था कि जो टीचर्स नहीं है वो स्कूल में आने चाहिए, और साथ में यस एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा हमारे लोगों को, अच्छी बात। अब उसके ऊपर काफी अप्रिहेंशन लोगों में आया है कि भाई हजारों की तादाद में लोग मेनलैंड से आएंगे, लाजमी है। यहाँ पर हर एक फैसिलिटी हम लोगों के पास नहीं है, एक एक पोस्ट के पीछे लोग चाहते हैं। और एंडेवन वाले तो बहुत लगाव है एंडेवन के साथ, कितनी भी क्वालिफिकेशन कर ले वो आगे नहीं जाते, वो कहते हैं एंडेवन में ही रहना है, चाहे छोटा काम करें कुछ भी करें, तो अच्छी बात है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे ख्याल से इस बार उन्होंने कहा कि लोग नेट के ऊपर, मेरे पास कई रिप्रेजेंटेशन आए कि सर ये नेट के ऊपर डाल दिया गया है, पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया गया है, नेट पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल गलत, नेट पे कोई नहीं अप्लाई कर सकता, मेरे ख्याल से खाली फॉर्म को नेट से डाउनलोड कर सकते। तो एंडेमन में भी जो टेरेसा में रहता है, कचाल में रहता है, वो क्यों आए पोर्ट ब्लेयर तक फॉर्म लेने के लिए? नेट अगर उसके पास है या डीसी साहब डाउनलोड करके वहां दे देंगे। तो थोड़ी सी गलत बातें भी फैल गई। जहां तक मुद्दा है रिजर्वेशन का, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आई थिंक सब चीज ओपन में होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। जहां तक मुद्दा है रिजर्वेशन, देखिए 2007 तक और 90 के उसके दशक के अंदर अलग अलग चीजें हुई, प्रधानमंत्री जी आए, पूर्व प्रधानमंत्री आए, कहीं लिखा गया, हो गया, हमारे एमपी साहब ने सब बताया हमको।